लंका इन श्रीलंका। ए भाई साहब मजे ले रहे हैं हमारे जोकिंग है। कर्व चेक करो कितना ज्यादा खूबसूरत। अभी हमारा 7th हॉल्ट आया है। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग के अंदर। और अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अशोक वाटिका, जिसको कि सीता अम्मा कोविल भी बोल देते हैं यहाँ की लोकल भाषा के अंदर। और वहां जाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं आज ट्रेन। आज श्रीलंका की रेलवे के अंदर हम लोग सफर करने वाले हैं और देखेंगे कैसा हमारा सफर रहता है श्रीलंका की ट्रेन का। पीछे की साइड में देखो तो श्रीलंका का एक खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का नाम है एल्ला रेलवे स्टेशन। एल्ला नहीं, एल्ले रेलवे स्टेशन बोल देते हैं इसको। और कितना ज्यादा खूबसूरत है, श्रीलंका के रेलवे स्टेशन काफी ज्यादा प्यारे हैं। और इधर की साइड में देखो तो पहाड़ों के बीचों बीच बने हुए हैं। इधर पास में ही बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे, शॉप्स वगैरह है। छोटी सी रोड आती है मेन टाउन से, टाउन के मतलब 100 मीटर भी नहीं है उधर ही है। और इधर की साइड में स्कूल है और एक ग्राउंड बना हुआ है। अभी चलते हैं इसके अंदर और लेते हैं टिकट वगैरह। टिकट सेकंड क्लास की लेनी है हमको। सेकंड क्लास की टिकट ऑलमोस्ट 300 रुपए की मिलेगी। और ये मैं पास से दिखाता हूँ आपको रेलवे स्टेशन कैसा दिखता है इनका। छोटा सा प्यारा सा रेलवे स्टेशन है। इसको पार करते उधर की साइड में आ जाएगा अपना ट्रैक वगैरह रेलवे स्टेशन का। और ये अपना है रेलवे स्टेशन। ऐसे यहाँ पर लाइन लगी हुई है तो इस लाइन को पार करना पड़ेगा पहले। यहाँ से टिकट मिलेगी हमको, टिकट लेके अंदर चलते हैं ट्रेन को पकड़ने के लिए। 9:20 पे हमारी ट्रेन है, 9:20 अभी 9:00 बजे तो टाइम है हमारे पास, तो पहुंच जाएंगे। देन आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसे इसके अंदर जाना और कैसी टिकट दिखती है। इनके पीछे मैं भी आके खड़ा हो गया, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। ट्रेन तो वैसे 10-20 मिनट में आने ही वाली है अपनी। भाई यहाँ पहुँच गया ऑर्डिनरी टिकट्स लेने के लिए। अपन को जाना है नानू होया, जो कि सेकंड क्लास का 300 रुपये लगेगा। टू नानू होया टिकट्स सेकंड क्लास। सेकंड क्लास 100 का नोट है। नो वी डोंट हैव चेंज। तो ये टिकट ली है 300 रुपये की नानू होया तक की। नानू होया हाँ यहाँ के 300 रुपये। और यहाँ होगी चेक, ट्रेन आने वाली है क्या, चेक होगी टिकट। लो भाई कट्टा लग गया इन द मिडिल। ओके सो बीच में आएगी हमारी वाली ट्रेन। और यहाँ देखो यार फॉरेनर्स ही फॉरेनर्स हैं भाई। सेकंड क्लास मिडिल। ओके अंग्रेज ही अंग्रेज। ये सारे अपने साथ ही बैठ के जाने वाले हैं क्या हैं? अरे बाप रे बाप। आज हमारा सफर श्रीलंकन रेलवेज में एल्ला से नानू होया तक होने वाला, जिसके अंदर हम लोग पे कर रहे हैं ऑलमोस्ट 300 श्रीलंकन रुपीस। इंडिया का 120 या 130 रुपए होता है। और अभी हम लोग इसके फुटओवर ब्रिज के ऊपर आ गए। ये इनका जो ब्रिज रहता है ना वो है। और अभी घंटियां बजने लग गई है, ट्रेन आ गई है। ऐसे कुछ इनके ट्रैक वगैरह रहते हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ब्रॉड गेज है, खूबसूरत। देखो एल्ला रेलवे स्टेशन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सेकंड क्लास में भीड़ देखो कितनी भीड़ लगेगी आज सेकंड क्लास। और ये थर्ड क्लास की डिब्बे वाले में जो चढ़ने वाले हैं थर्ड क्लास के कोच में पूरा खाली है। इधर देखो थर्ड क्लास वाला है पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। मेरे को लगता है इधर की साइड में जो रिजर्वेशन है यानी कि जिसके पास फर्स्ट क्लास की टिकट होगी वो इधर की साइड में आते होंगे। बाकी पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत है। अभी हमारी ट्रेन आने वाली है, ट्रेन को पकड़ना है, नीचे जाते हैं। और ऊपर आ गया, मैंने सोचा ऊपर से व्यू दिखाता हूँ, ऊपर से बहुत अच्छा है। ये स्टेशन का नाम लिखा हुआ है आप लोग पढ़ सको तो, एल्ला, इसको वैसे एल्ले बोल देते हैं। हम लोग ट्रेन से अशोक वाटिका क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मैं पिछली बार बस से भी गया था। और अशोक वाटिका हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है, जिसको कि माना जाता है कि यहाँ पर सीता माता को रावण जब किडनैप करके लाया था तब वहाँ पर रखा था। उसी पवित्र स्थान को मैं देखने के लिए जा रहा हूँ। उस जगह पर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप लिया था, उनका एक फुटप्रिंट है वहाँ पर। पेड़ है, एक मंदिर है, एक नदी बहती है पास में। और जो पेड़ था उसकी मतलब पूरा का पूरा जो मंदिर वगैरह बना रखा है ना, पूरा पेड़ हनुमान जी का उधर फुटप्रिंट है, जो रियल फुटप्रिंट बोलते हैं। इसलिए मैं जा रहा हूँ अशोक वाटिका देखने के लिए, वो भी ट्रेन से। और ट्रेन चलती है, मैंने सोचा आप लोगों को, बहुत कम लोगों ने ट्रेन का वीडियो दिखाया तो आज आपको खूबसूरती भी देखने को मिलेगी श्रीलंका की, जब तक हम पहुंचेंगे अशोक वाटिका तक। सो श्रीलंका की ट्रेन अपनी आ गई है और ये देखो पहला लुक ऊपर से। और श्रीलंका की ट्रेन है वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, और कुछ इस प्रकार की अपनी ट्रेन है जो आ रही है। अब इसका नज़ारा लो, अभी भी यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव चलते हैं। ये डीजल लगते ही, ये डीजल है या इलेक्ट्रिक है, इस पर करंट छपा हुआ है, इलेक्ट्रिक है ये।
चलो अभी चलते हैं नीचे और हमारे ऑलमोस्ट 11 हॉल्ट होने वाले हैं ट्रेन के अंदर और 12वें वाले स्टेशन पर हम लोग पहुंच जाएंगे। ट्रेन तो पहले से ही लदी हुई है, मुश्किल ही लग रहा है इसके अंदर सीट वगैरह हमको कहीं मिल जाए। और ये बाप रे बाप, सेकंड क्लास कौन सी है भाई इसमें? तो थर्ड है, थर्ड सेकंड आप सेकंड 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 मरे भाई, खड़े हो के ही जाना है। ये सेकंड क्लास सिधर की साइड में होगा, थर्ड ई। ब्रदर सेकंड क्लास आगे 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 आ जा आगे। ये रही, अरे बाप रे बाप, इतनी भीड़, हद भीड़ हद। सो सेकंड क्लास में टिकट थी लेकिन आना पड़ा थर्ड क्लास में। ये अपना देखो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है क्योंकि सेकंड क्लास में टिकट है, मतलब सीट ही नहीं है, टिकट ले ली सीट है ही नहीं इससे बड़ी। हम लोग 160 रुपए की कटा के इसके अंदर बैठ जाते। थर्ड क्लास की 160 श्रीलंकन रुपीस टिकट लगती है। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने एडजस्ट किया है। मैंने सोचा अभी बाहर ही खड़े रहते हैं, अंदर से तो मैं दिखाऊंगा तू आपको अंदर इसकी सीटिंग वगैरह का अरेंजमेंट। इधर तो है ये अपना सेकंड वाला है और ये अपना थर्ड क्लास का। बुरी हालत है पूरी ट्रेन की। एल्ला से अपना डिपार्चर हो गया है ट्रेन का और ये निकल गई अपनी ट्रेन एल्ला रेलवे स्टेशन से, श्रीलंका के खूबसूरत खूबसूरत रेलवे स्टेशनों से अपना डिपार्चर होते हुए। इस स्टेशन के ऊपर आप लोगों को ऐसी शॉप्स भी देखने को मिल जाएंगी जैसे इंडिया के अंदर शॉप्स रहती है, वैसे आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सो ट्रेन के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रहा, ट्रेन एक तो हिल बहुत रही है ना, तो पेंट्री है पता नहीं क्या है, दिस इज पेंट्री और व्हाट पेंट्री, ओके दिस इज पेंट्री ओनर, नाइस टू मीट यू ब्रदर। यहाँ पर भाई हर चीज खाने पीने से अवेलेबल है। पेंट्री के अंदर हमको डाल दिया और सेकंड क्लास थर्ड क्लास उधर की साइड में थी, ये इधर की साइड में थर्ड क्लास ई लिखा हुआ है इसके अंदर है। और अभी चलते 4-5 जी इंडिया जर्मन एंड कैनेडा, ओके एनी ब्रिटिश टाइम ट्रेन, ओके 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 इन इंडिया लाइक मेड इन इंडिया ट्रेन बिफोर वी हैव इंडियन कंपार्टमेंट्स है उसी लंका हियर व्हिच रूट और देयर इज अ ट्रेन आल्सो ना रेल बस रेल वेयर वी कैन गेट दैट रेल बस इंडियन पीपल वर्क रेलवे डीजल इंजन नो देयर इज अ बस ऑन रेलवे ट्रैक ब्लू वन वेयर वी कैन गेट दैट बस लाइक इट्स रन ऑन रेलवे ट्रैक ओके त्रिंकोमली ओके ओके इंडियन पीपल कमिंग श्रीलंका रेलवे रोड डेवलपमेंट हां फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड एवरीथिंग या 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 बिकॉज़ इन इंडिया लेबर इज चीप इज दैट्स व्हाई ओके मेनी यू आर इन श्रीलंकन सिक्योरिटी ओके लाइक इन प्रोटेक्शन फोर्स लाइक इन इंडिया देयर इज आरपीएफ रेलवे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेम सेम हां जैसे अपनी इंडिया में आरपीएफ होती है वैसे ही यहाँ पर है श्रीलंकन रेलवे सिक्योरिटी फोर्स आरपीएफ टाइप है ओके ये भी उधर से ही है ठीक है ओके नाइस टू मीट यू। देखो यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है, मोहतरमा लटकी हुई है ट्रेन से बाहर। ये वाली वन ऑफ द आइकॉनिक रेल जर्नी है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो ये देखो यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है और अभी शायद से कोई रेलवे स्टेशन में भी आ गया है तो ट्रेन हमारी है वो रुक चुकी है। हमारी ट्रेन का अभी फर्स्ट हॉल्ट आया कि था एल्ला करके आ गया। इनके रेलवे स्टेशन है ना एज कम्पेयर टू इंडिया
काफी छोटे हैं बट इतने ज्यादा ग्रीन है ना, पूरे के पूरे में आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। और ये भी शायद से आरपीएफ से ही है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आपको छोटे छोटे से जो है रेलवे स्टेशन इनके देखने को मिलेंगे पूरे श्रीलंका के अंदर। अभी आपको जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, अभी यहाँ से 9 रेलवे स्टेशन और बचे हुए हैं। भाई क्या नजारे आ रहे हैं भाई श्रीलंका के अंदर, एक नंबर जर्नी। ये लो इसका सेकंड हॉल्ट एक और आ गया है। अभी इसके बाद है अपने 9 हॉल्ट बचते हैं श्रीलंका के अंदर। और आवाज कितनी कर रही है इसके ट्रैक, इतनी ज्यादा आवाज कर रही है, हद आवाज कर रही है। या यू वन, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आ जाओ भाई साहब, फोटो ले लीजिए आप। चेक करो यहाँ का जो व्यू है ना, वो चेक करो जरा, सारी तरफ पहाड़ी, पेड़ पौधे। और इसको दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रेन जर्नी भी बोला जाता है। और आप लोग सबसे खूबसूरत ट्रेन जर्नी कर रहे हैं श्रीलंका के अंदर। बाप रे बाप, क्या व्यू आ रहा है यार, साथ साथ। अरे साला, ये देख क्या क्या, अरे साला ये देख क्या क्या आ जाता है, झाड़ फूट सी इतनी पास पास में आ जाता है। घुमा गई क्या, घुमा गई क्या, वो हमको यहाँ पर है, हमारे आरपीएफ के जवान मिल गए हैं। सर व्हाट इज योर नेम? मधुर मंडला। ओके, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। ये हमसे बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर रहे हैं और बहुत सारा पूछ रहे हैं, हमारा नाम, आपका नाम, और श्रीलंका के बारे में बहुत पूछ रहे हैं, बता रहे थे, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बता रहे थे हमको। चाइना के मतलब ये जो है, ये चाइना के द्वारा बनी हुई ये ट्रेन है। बाकी अच्छा लगा इनसे मिलके। और अभी बोल रहे हैं, इनको भी दिखाओ। हेलो, व्हाट इज योर नेम? ओके, नाइस टू मीट यू, माय नेम इज हर्ष फ्रॉम इंडिया। यहाँ के यार जो आरपीएफ वाले पुलिस वाले हैं बहुत ज्यादा अच्छे, नाइस है, एक नंबर। जैसा अपने इंडिया के अंदर मिलते हैं वैसे ही देखने को मिलेंगे। अच्छा लगा, यू आर नाइस पीपल। या एक नंबर, हम लोग यहाँ लटक रहे हैं गेट पे, कुछ भी नहीं हमको कह रहे। तो हमारी ट्रेन का थर्ड हॉल्ट आया था और यहाँ से भी हमारी ट्रेन है निकल गई है। और बस अभी यहाँ से भी निकलने की तैयारी है। एक तो जब ये स्पीड पकड़ती है ना तो इतनी ज़्यादा आवाज़ करती है ये ट्रेन, खट 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 खट, और बहुत आवाज़ करने के साथ साथ ये ट्रेन है जो हिलती भी बहुत है। मे बी जो श्रीलंका के अंदर रेलवे ट्रैक्स है वो पुराने टाइम के डले हुए हैं, इसीलिए ब्रिटिश टाइम के, अभी इन्होंने अपग्रेड नहीं किया है। और आगे आ रही है खूबसूरत सी टनल, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी एक खूबसूरत सी टनल। फोटो शूट देखो कैसे लटक लटक के होता है, किसी को कोई डर नहीं है, कोई इलीगल चीज नहीं है, सब कुछ लीगल है इस ट्रेन रूट पर। और इसकी मेरे को लगता है जो रेलवे की मतलब जो ट्रेन की स्पीड है 30 से 40 भी नहीं होती, बहुत स्लो चलती है ट्रेन। ये देखोगे ये है यहाँ पर जो ट्रेन का जो इंजन होता है उसको चेंज करने के लिए घुमा के। और रेलवे ट्रैक्स देखो यहाँ पर कितने हैं, आपको सामने दिख रहा होगा, ये है यहाँ का
रेलवे इंजन जो कि पुराने टाइम का लोकोमोटिव पड़ा हुआ है, मे बी ब्रिटिश टाइम का है ये, काफी खूबसूरत है, छोटा सा है। जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है अभी तक आया है वो है बांदरवेला, बांदरवेला रेलवे स्टेशन है ये, सबसे बड़ा एरिया मतलब इस रूट के अंदर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यही पड़ता है और काफी खूबसूरत है। पीछे हमको मिले हैं अभी यहाँ पर दो तीन बंदे हैं रशिया से, और मैंने बताया मैंने यार हमको भी थोड़ी थोड़ी रशियन आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, ज्यादा नहीं आती है। बाकी उधर की साइड में रोड भी है और खूबसूरत है। मेरे को पता है जब मैं रेलवे स्टेशन दिखाने आता है ना तो उधर की साइड में स्टेशन था तो वो पीछे की साइड में हो गया, जब इधर रेलवे स्टेशन आता है तो मैं उधर की साइड में खड़ा होता हूँ, अब उधर जा भी नहीं सकता, देखो भीड़ कितनी ज्यादा है। और ये जो इनके ट्रैक्स हैं ये मैनुअली चेंज होता है, जो आपको दिख रहा होगा ये मैनुअली इससे चेंज होता है, जैसा कि आज से इंडिया में 20 से 30 साल पहले हुआ करता था। और इनके देश में मेरे को लगता है मीटर गेज या तो मीटर गेज से छोटा जो ट्रेन रहती है, जैसे जो पुराने टाइम में नैरो गेज चलती थी, वो अभी श्रीलंका के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। काफी ज्यादा अभी डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुकी है। और स्टेशन का नाम था बांदरवेला, यहाँ पे ट्रेन ने हॉन्क दे दिया है और अभी डिपार्ट होगी अपनी बांदरवेला से। काफी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है ये, मतलब जिस रीजन के अंदर अभी हम लोग हैं। एल्लासो तो काफी बड़ी सिटी है और चल पड़ी है अपनी ट्रेन, इनके जो वो है मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जो चलती है ना वो। भाई यहाँ फोटोज का क्रेज देखो यार, कितना ज्यादा क्रेज है यार। इसका कर्व चेक करो, कितना ज्यादा खूबसूरत कर्व आ रहा है ट्रेन का भाई। अरे हमारी ट्रेन का आई थिंक पांचवा या छठा हॉल्ट आ गया, मेरे को तो गिनती नहीं है कौन सा आ गया, बट दिया तलावा करके कोई स्टेशन है। इसके अंदर जो ऑफिशियल इंडिया की तरह लैंग्वेज रहती है ना, वो जैसे सबसे पहले स्टेट लैंग्वेज रहती है, देन फिर रहती है हिंदी, देन रहती है इंग्लिश। इसके अंदर है सबसे पहले सिंगला, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंगला, देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तमिल लैंग्वेज, देन इंग्लिश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तीन छोटे छोटे से रेलवे स्टेशन है, अभी उतर के देखता हूँ मैं इधर से कैसा है यहाँ पर। ये इनके रेलवे स्टेशन है, छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर देखो कैसे लद लद के जा रहे हैं। अभी ट्रेन चलेगी थोड़े टाइम में यहाँ से, और ये कुछ इनका रेलवे स्टेशन है, सारी ट्रेन में फॉरेनर्स ही फॉरेनर्स हैं, मतलब फॉरेनर्स के अंदर तो मैं भी आता हूँ एज कम्पेयर टू लाइक बगल से ही हूँ मैं इंडिया से, बट फिर भी फॉरेनर तो मैं हूँ ही। ऐसा कुछ इनका रेलवे स्टेशन है, ये फर्स्ट क्लास का नहीं, ये भी सेकंड है। उधर की इसके अंदर थी हमारी टिकट, लेकिन इसमें बुरी हालत है और उधर की साइड में पूरा भरा पड़ा हुआ है भाई। चल पड़ी अपनी ट्रेन अभी यहाँ से।
खूबसूरत है। स्टेशन नेम हापुतले रेलवे स्टेशन आ गया, बट रेलवे स्टेशन है दूसरी साइड में। कितनी आवाज कर रही है। यहाँ पर रावण ने सीता माता को कैप्चर करके रखा था। हमारा कोई रेलवे स्टेशन आ गया है। अभी हमारा 7th halt आया है, ये कुछ नाम लिखा हुआ है, कठिन सा नाम है। इधर की साइड में देखोगे तो पूरे बादल ही बादल, नीचे की साइड में सारे के सारे बादल उड़ते हुए आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो कितने बादल है और कितनी ज्यादा हाइट पे अभी आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो। ये भाई साहब मजे ले रहे हैं हमारे, जोकिंग है। ये अपनी ट्रेन थी, ये आवाज बहुत करती है यार, हद आवाज करती है। सेकंड क्लास भी अभी धीरे धीरे खाली होने लग गई है। क्या खूबसूरत नजारे आ रहे हैं, वाह कैसा लगा तेरे को श्रीलंका? एक नंबर यार, फर्स्ट टाइम आसना लेके आए फुल खरीद लो। सो ट्रेन में अपने इंडिया की तरह ये बेचने के लिए भी आते हैं। पैंट्री है फिर भी यहाँ पर बेचने के लिए आ गए। 100 रुपए के कितने दे रहे हैं? 100 का कितना दिया? 4 पीस 5 पीस 100 के, तो इतने ही आते हैं। 20 का एक देते हैं, लेगा इसमें से? हाँ ले लेंगे, हाफ हाफ कर ले, दे पैसे दे। हमारा फाइनली जो जिस डेस्टिनेशन पर हमको उतरना था, नानू ओया करके, एक तो नाम ही थोड़ा सा टफ है, वो आने वाला है। और अभी थोड़ा सा चाय के बगानों से धीरे धीरे ट्रेन बढ़ रही है अपना स्टेशन, जो बस 5 से 10 मिनट के अंदर आ जाएगा। काफ़ी टाइम लेती है यार ये ट्रेन, कम से कम इसने 3 घंटे ली है। 9 बजे से लेके 9:20 में ट्रेन थी, 9 के बाद 12 बजे से ले 12 बजे, अभी 12:10 या 15 मिनट होने वाले हैं। ये हमको वहाँ पहुँचा रही है नानू ओया। अभी इसको बहुत दूर जाना, अभी ये फोर्ट की साइड में जाएगी, मतलब कोलंबो साइड होगा। उतरते हैं देन दिखाते हैं रेलवे स्टेशन का कैसा नजारा है।
हम लोग फाइनली नोरा एलिया के पास एक टाउन पड़ता है वहां पर पहुंच गए हैं, जिसको कि नानू ओया बोलते हैं। और पीछे है हमारे श्रीलंकन रेलवेज की ट्रेन। ये ट्रेन है जो डीजल लोकोमोटिव है, काफी खूबसूरत है, मस्त ट्रेन है। और इसके पास में जो है पुरानी पुरानी ट्रेन खड़ी हुई है। अभी हम लोगों को यहाँ से एक या दो बस और लेके जाना है अशोक वाटिका के लिए। ट्रेन से उतरने के बाद नानू ओया से अभी मैं ये जा रहा हूँ अशोक वाटिका की तरफ में। और होप करूंगा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और निकलते हैं, यहाँ से बस लेनी है एक हमको, जो कि हमको अशोक वाटिका पहुँचा देगी। तो अशोक वाटिका की वीडियो देखने के लिए आपको एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। इसके एक दिन बाद आपको वीडियो देखने को मिलेगी अशोक वाटिका की, यहाँ पर रावण ने सीता माता को किडनैप करके रखा था। वो जगह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम फ्रॉम श्रीलंका।